क्या किया आपने? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। पिछले दो दिनों से बड़ी मरी और चिपकली वाली शक्ल बना के घूम रहे हैं आप। आज मैं पार्लर से तैयार किया होके आगे बड़ी मुस्कुरा के अंगूठियां बना रहे हैं मुझे। तुम कहना क्या चाह रही हो? मंगनी की अंगूठी क्यों बनाई आपने? तुमने भी तो मुझे अंगूठी बनाई। मैंने घर वालों के कहने पे बनाई है। तो मुझे कौन सा नवाज शरीफ साहब कह के गए थे? मैंने भी मजबूर होके किया। मजबूरी? I knew it. मजबूरी में कर रहे हैं ना ये सब। देखो मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब था कि बड़े मतलबी इंसान है, बड़े मतलबी इंसान है आप। अरे यार बोलने तो दो। सिर्फ बोले नहीं, सच बोले हसीन भाई। भाई 27 साल से कजन ब्रदर है मेरे। 27 घंटे भी नहीं हुई मंगनी को, तो टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने में। मुझे कुछ कहने का मौका तो दे दो। मौका? मौके पे तो आपने असल रंग दिखाए अपने। मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं मिला कुछ जो आते ही यहाँ पे मुझसे मंगनी कर ली। मतलब मेरी ना कोई फीलिंग, ना कोई वाइब, ना कोई वाइब्रेशन। मैं तो सोचती रही कि अभी इनकार करेंगे, लेकिन मुझे पता क्या था कि आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू नहीं, मेरा दिल फूट रहा है, बल्कि मेरा दिल टूट रहा है। बड़े ठोस पटाखा निकले आप तो। ठोस पटाखा? और नहीं तो क्या? मुझे नहीं पता था कि आप मामू से इतना डरते हैं। मुझे तो ऐसे कह रही जैसे खुद तुम फूफो से जंग अजीम करके आई उस मामले पे। मैं क्यों डरती अम्मी से? क्योंकि अगर मैंने ये मंगनी मजबूरी में की है ना, तो तुम्हारे भी चेहरे के ऊपर खुशी के फवारे नहीं फूट रहे इस वक्त। कहने क्या चाह रहे हैं आप? तुम कह लेती ना फूफो को। तो आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? 4 साल हो गए तुम्हारी ग्रेजुएशन को, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? बताओ ना वानी, किसका इंतजार है? किसी का इंतजार नहीं है। लेकिन अम्मी, मैंने उसने भाई को उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। तो अब देख लो। तुम चुप कर, तुम्हें थप्पड़ मारना। मैंने अंडरएज प्रेजेंट करना इज अगेंस्ट द लॉ। और हाँ, मत भूलो इंस्टाग्राम पे मेरे आपसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। माय वन पोस्ट ब्रिंग्स ऑल द वोक पीपल टू द यार्ड। अम्मी इसे चुप करा ले, मैंने इसका फोन तोड़ देना। मैंने अम्मी आनी, 10 साल हो गए तुम्हारे अब्बू की डेथ को, और चंद सालों में मैं भी रिटायर हो जाऊंगी। आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक, मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। क्या प्रोग्राम है? किस चीज का? मतलब चार्ली खत्म? ओह देखो अन्या, मैं समझ सकता हूँ कि एक ताज़ा मंगनीशुदा लड़की को कितना बुरा लगेगा और कितनी तकलीफ पहुँचेगी जब उसको पता चले कि उसके मंगेतर को किसी और से मोहब्बत है। एक्सक्यूज मी, इतनी बेस में जाके बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप उस बेचारी लड़की को कैसे बताएंगे कि आपकी मंगनी हो चुकी है। नहीं बताया, कहाँ से बताऊँ उसे? एक सेकेंड, शायद उसको बताने की नौबत ही ना आए। मतलब कि मंगनियां तो टूट भी जाती हैं। हमारी मंगनी दुनिया की पहली मंगनी नहीं होगी जो टूट जाएगी। लेकिन मुझसे तो अब्बा और दादी को इनकार नहीं किया गया, मैं मंगनी तोड़ने का कैसे कहूंगा? उसके तरीके होते हैं, सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तुम सीरियस हो? यस। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। क्या करें यार? यसू पंजू नहीं तो मैं ये वेलकम कह रही थी आपको। क्या हो गया? वैसे भी क्या याद रखेंगे आप एक ऐसी लड़की से पाला पड़ा है आपका? आओ दूल्हे मियां। दूल्हे कौन? तुम दूल्हा? इस उम्र में मैं तो दूल्हा नहीं बन सकता। कहाँ की तैयारी है? वो मैं अपने दोस्त इकबाल को मिलने जा रहा हूँ दादी। इकबाल, वो तुम्हारा स्कूल के जमाने का फजूल सा दोस्त? अब्बा वो मेरा वाहिद दोस्त है, बाकी सब तो इधर उधर निकल गए। वो इसलिए इधर रह गया क्योंकि उसमें इधर उधर निकलने वाली कोई बात नहीं थी। तुम ये बातें छोड़ो, नाश्ता कर लो। आनिया ने आज स्पेशली तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाए। पैनकेक्स हैं? पैनकेक्स? वाह भाई वाह, बड़ी खातरें हो रही हैं, हैं? क्या बात है दादी? मुझे भी ला देना, ला दे तो पैनकेक। अम्मा, शुगर? तुम याद करा दे हैं? ला। अच्छा, हसीन, तुम आओ, आकर नाश्ता करो, चलो आ जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पैनकेक के साथ जूस लेंगे या चाय? मैं तो कॉफी पीता हूँ। अच्छा, मैं कॉफी बना देती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा कॉफी पीनी नहीं चाहिए। क्यों मामा? हाँ, didn't realize how caring you were। मैं जरा
अम्मी को पैनकेक दे दो। किससे बातें कर रहे थे? वो ऑफिस के अंदर होता है चार्ली, उससे। ऑफिस का दोस्त है तो उससे इतनी सरगोशियों में क्यों बात कर रहे थे तुम? आप बताएं क्यों? मैंने तुमसे पूछा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गेस करें। हसनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं वैसे ही आहिस्ता बोल रहा था ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया। जुबैदा ने बुलाया था मुझे सुबह। आनिया से कितनी रूडली बात की है तुमने, बहुत डिस्टर्ब है वो। उसने मुझे खुद कहा था। क्या? के पैनकेक्स खा ले। और तुम बदतमीजों की तरह खाए बगैर वापस आ गए। तुम्हें कुछ एहसास भी है? बच्ची ने कितनी मेहनत की थी अम्मी। लेकिन मैं अब क्या? देखो हसनी, माना तुम मंगनी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हो गई है ना, तो उसे एक्सेप्ट करो। आनिया तुम्हारी होने वाली बीवी है। अरे भाई, उसके साथ बिहेव करो, वरना अगली बार तुम्हारे कमरे में मैं नहीं, तुम्हारे अब्बा आएंगे। लेकिन तो आप हसीन हैं। ज्यादा फ्लर्ट ना करो। अरे उनका नाम ही हसीन है तो मैं क्या करूं? आप मुझे हसनी कह सकती हैं। हसनी भाई हो? जेलेस? मैं जेलेस नहीं हो रही, तुम ज्यादा शोखी हो रही हो। अरे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें कौन से इनसे शादी करनी है? तुमने इनको ही बता दिया। इसकी खैर है, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई की तरह। लेकिन प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अरे सोशल मीडिया के दौर में कौन सी प्राइवेसी? जो कुछ है कैमरे को दिखा दे, इसी बात पे सेल्फी होता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप चलाएं, आप चलाएं, गाड़ी चलाएं। भाई पहले ही बता दें अगर पैसों का कोई मसला है, मैं कोई सस्ती चीज ऑर्डर कर लूं। अरे डॉलर्स में कमाते हैं, दिल खोल के ऑर्डर करो। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ? डिजाइनर से कपड़े उठाने थे मैंने पूरे 2 बजे। हाँ तो चल के ले आते हैं। नहीं नहीं, आप बैठे बस पास में, मैं खुद लेके आ जाऊंगी। नहीं लेकिन नहीं, तुम्हें खा नहीं जाएगी, डोंट वरी। जाओ जाओ, टेक योर टाइम। ओके फिर मैं आती हूँ। ओके बाय। लेकिन देखें, आप आनिया की बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपने तो मंगनी तोड़ देनी है। आप क्या कर रही हैं? ये बात सुने, मैं किसी रक्षा के नीचे आ जाऊंगा, लेकिन आप शादी नहीं करूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। आनिया है ना, उसको बता देना कि मैं चला गया हूँ। मेरी तौबा है। तौबा नहीं, तौबा है। ये ले खाने के पैसे। बल्कि रुके, ज्यादा हो गए थे खाने के पैसे। अरे वाओ, अमेजिंग, कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं ना। मैं भी, मुझे लगा बिल्कुल नेचुरल है। ये टिकटॉक तो ना मेरा कंफर्म हिट होगा। मेरा टिकटॉक फॉलो करते हैं आप लोग? फॉलो करें, अभी देखेगा। ओह माय गॉड, अमेजिंग एक्टर, ही इज अमेजिंग। ओह अभी अपलोड करती हूँ। ओह माय गॉड जानू, मैं आ गया हूँ। मैंने रोटी गरम गरम ले ली है, मैं बस तंदूर से रोटी निकाल के जा रहा हूँ। बस तुम्हें ऐसा लगेगा मैंने अपने हाथ से बनाई है। हाँ तुम फिक्र ही ना करो, बस मैं लेकर आया, जब अभी लेकर आया। चल मैं निकला, ठीक है? मेरे मसले का क्या करना है? ओ भाई, मेरे एक फूफा जी जो है ना, वो कहा करते थे जब कोई मसला हल ना हो रहा हो ना, तो उस मसले को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मसला खुद को इग्नोर्ड फील करता है और खुद ब खुद अपना हाल बता देता है। तेरे फूफा कहाँ हैं? फौत हो गए। बनता भी था, मेरा निकलना भी बनता है अभी, वरना बीवी मुझे भी फौत कर देगी। देखो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हैंडल करना, मैं रोज रोज नहीं निकल सकती। लेकिन ऐसे कैसे? मेरे पीछे? ये तो वो लड़का जिसके साथ आज तुम जूस पी रही थी। कौन लड़का? ये जिससे तुम फोन में बात कर रही थी। क्या बात कर रही है आप? ये तूबा से बात कर रही थी मैं। तूबा का तो नाम ना लेना, तुम्हें पता उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे बताया उसने, आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, शर्म नहीं आई आपको? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ? बात सुनो, मैंने छत से नीचे छलांग मार देनी उसे। मैं छलांग मारती नहीं है, छलांग लगवाती। एक मिनट, एक मिनट। क्या BFF से मिलाने का प्लान तुम्हारा, वहां से गायब हुई तुम, फ्लर्ट किया तुम्हारी फ्रेंड ने, कॉल मेरी कैंसिल की तुमने, घर पहुंच के बेइज्जती की सबने मेरी, सब समझ गया, ये सब तुम्हारा प्लान था। ताके ताके क्या?
तुम ये मंगनी क्यों नहीं करना चाहती? आपके लिए, ताकि आपकी उस चार्ली से शादी हो जाए। ना जी ना, मैं नहीं मानूंगा कि तुम ये इसलिए कर रही हो। मुझे सब समझ आ गई है, ये सब तुम्हारा प्लान है ताकि तुम इस वीडियो कॉल वाले से शादी कर सको, और तुम्हारा प्लान ये था कि मैं पूरे घर वालों के सामने गंदा हूँ ताकि तुम आखिर में कह सको मैं तो मंगनी करने के बाद शादी करने को तैयार थी, लेकिन हंसने ही नहीं माना। जैसे मामा, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करूंगी मैं? 40-50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, हमने क्या तैयारी करनी है? नहीं, एक सेकंड, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। I want to dress up as a bride, I want to have a photo shoot, I want to go to the parlor. What do you mean? बेटा, एक दफा मास्क पहन लोगी ना तो ना ब्राइड नजर आएगी ना उसका मेकअप। That's not fair. अम्मा, इतनी जल्दी हमें शादी हॉल कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे अब्बा ने बात कर ली। इतने लोगों को हम इतनी जल्दी इनवाइट कैसे करेंगे? तुम्हारे अब्बा ने व्हाट्सएप पर अभी से शादी मुबारक वाला मैसेज लिखना शुरू कर दिया। अरे, मुझे इतनी जल्दी शेरवानी कौन सी कर देगा? अब्बा कह रहे थे कि उनकी वलीमे वाली अल्टर करवा लेना। तो फिर शादी भी अब्बा की करवा दें। मनहूस, अपने बाप को इस उम्र में इतनी बड़ी खुशखबरी देकर मार डालेगा क्या? मंगनी से जान नहीं छूट रही और ये शादी आ गई है। दादी तो हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे दुनिया के पीछे कोरोना पड़ा हुआ है। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रही, कैसे बचूंगा? क्या यार, आप आदमियों की ऐसी बातें कर रहे हैं? हेलो, मैन हूँ, आयरन मैन नहीं, और मुझे कुछ नजर आ रहा आगे। मुझे तो बस बहाव? बहाव? आनिया, तुम यहाँ कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार, मेरी कल शूट है तो दो जैकेट लेने आया। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो भाई, प्लीज नो सेल्फीज यार, प्लीज। नहीं नहीं, ये मेरे साथ है, ही इज माय कजिन। अच्छा वहाब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अन्या प्लीज, दूर हो जाओ थोड़ा सा। किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो इंस्टाग्राम पे तस्वीर लीक हो जाएगी, और अपने इंस्टाग्राम के मुताबिक मैं इस वक्त इस्लामाबाद के 5-स्टार होटल में स्क्रिप्ट मीटिंग है। लेकिन आप तो यहाँ हैं। मेरी जान, लॉजिक नहीं चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। वहाब अहमद ऑफिशियल, सिंगल और बड़े एफ के साथ। ओके वहाब, बट आई रियली नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ मैं सर, आओ। मैं नबील कुरैशी से मिला था जिम में यार, जो सिर्फ वाइब आ रही थी जैसे ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू फेस। एक दफा चांस मिलता है तो ये फवाद खान और शहजान नंबर क्या बेचते हैं, मैं पाकिस्तान को दिखाऊंगा चॉकलेट हीरो। यार प्लीज मेरी जान, अभी सेल्फीज नहीं यार, कोई प्राइवेसी नहीं है, प्लीज यार बात सर में आने दे। बात है, बात है। मेरे घर वाले 10 दिन में मेरी शादी कर। क्या? किसे? जिससे मेरी मंगनी हुई थी। अरे कौन? हम दिल दे चुके सनम। जी, तू तो ये देवगन निकला यार। माना के नाक थोड़ी बड़ी है, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं। बात नाक की नहीं, सिचुएशन की है। तू देवगन, ऐश्वर्या राय और मैं सलमान खान। अबे क्या बेचता है फिरोज खान? क्या बोल रहे हो वहाब? यही कि हमारा मिलन अब दूर नहीं है। तुम 4 साल से यही बात कर रहे हो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मेरे पास सिर्फ 8-9 दिन बाकी हैं। अरे 8-9 दिन में तो हुकूमतें बन जाती है, ये तो सिर्फ एक शादी बनानी है। अब वो मेरी इनके साथ बन जानी है। प्लीज अपने माँ बाप से बात करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मेरी शादी की खबर इस वक्त लीक हो जाती है ना, मेरा फैन क्लब क्रैश हो जाएगा बिल्कुल। इस वक्त मेरा और बिलाल अब्बास का सिंगल गाइस की दुनिया में सख्त मुकाबला चल रहा है। और अगर मैं ना रही ना तो जाके शादी भी बिलाल अशरफ से कर लेना, ठीक है? अशरफ नहीं, अब्बास। Whatever. अरे ये मेरी जान, प्लीज मैनेज कर लेना इसको यार। जी, थोड़ी जज्बाती हुई है लेकिन भाई मैनेज कर ले यार। जी हाँ। मामा, मेरी शादी का ड्रेस गोल्डन होगा। ठीक है बेटा, व्हाटएवर यू वांट। और अपने होने वाले दामाद को बता दीजिएगा कि उसको मेरे ड्रेस के मुताबिक मैचिंग सूट पहनना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या हसीन गोल्डन जोड़ा पहनेगा? I guess. तो फिर शादी भी EMI गोल्ड की दुकान में रख लेते हैं, सब मैचिंग होगा। वैसे अब्बा, आपके पर्दे चेंज होने वाले हैं। क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहे? नहीं, खैर ठीक है, क्या चेंज कराने, अब जब घर ही चेंज हो जाएगा तो पर्दों का क्या करना। क्या मतलब घर चेंज हो जाना? नहीं, वो आनिया कह रही थी कि थोड़े अरसे बाद दादी तो होंगी नहीं, तो फिर इस घर को हम बेच देंगे, हम दोनों अपना हिस्सा लेंगे, और हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा घर बनाएंगे ना। और जो इस घर में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो उनका मसला है, हमारा नहीं। क्या? आनिया ने कहा है सर ये सब कुछ? तुम्हें आनिया ने कहा है?
बाप को पता तो है ये आजकल की जनरेशन और इन लड़कियों का क्या यार। हल्दा जरा मेरी ब्लड प्रेशर की दवा लाना। 48। तो तुमने 2 लाख रुपए कम क्यों करवाया बेटा? बहुत ज्यादा लग रहा था। 50 इज अ बिग नंबर यू नो। हाँ नहीं 48 जरा कम है। अपने अपने फैमिली वाले हो गए, अब ऑपोजिट पार्टी पर हमला। हसीन बेटा ये लिस्ट। फूफा वो तो मैं और अम्मी वैसे ही बात कर रहे थे, यू नो अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में बैचलर लाइफ गुजार रहा था, अब आनिया आएगी तो घर में कुछ चेंजेस आएंगी, घर को भरना होगा सो। हाँ लेकिन तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? तो आपके लिए क्या मसला है? क्या मतलब? अम्मी बता रही थी कि आपको दादी ने इतना जेवर दिया हुआ है, सो दिस प्रोबब्ली बी लुकिंग लाइक पीनट्स टू यू। अब एक मिनट प्लीज। भाभी की नजर अब मेरी ज्वेलरी पर है। तो मुझे साफ साफ बताओ अपने घर वालों से बात कर रहे हो या नहीं? यू नीड टू टॉक टू माई फैमिली। बेबी यार आंसर मी। बेबी आई एम सॉरी यार लेकिन मैं इस वक्त गो टू हेल। हेलो क्या हुआ? All okay? चार्ली ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। ओह, शायद गुस्से में होगी। सीरियस थी। कह रही थी मुझे पहले पता था कि तुम शादी नहीं करोगे। तुम पाकिस्तानी यू टर्न के माहिर होते हो। आउच। मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। आनी, अम्मी आपको बुला रही हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ। तो हम हनीमून के बाद कहाँ जाएंगे? ओह प्लीज मेरे सामने एक्टिंग मत करें। एक्सक्यूज मी, इट्स सो ऑब्वियस कि आप दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। मैं कब से आप दोनों की ये चाइल्डिश हरकतें में ड्रामे देख रही हूँ कि किसी तरह शादी रुक जाए। रिदा तमीज मेरा। आप दोनों की ये जो तमीज की डेफिनेशन है ना, इसी वजह से आप लोग यहाँ मुँह लटकाए और हेल्पलेस बैठे हैं। जो एक काम करना था वो नहीं किया। और वो क्या काम है? वो ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। तुम मुझे बिल्ली कह रही हो? ओह गॉड मीडियोकर माइंड्स। रिजा ने बिल्कुल सही कहा, बिल्ली के गले में घंटी डालने का वक्त आ गया। मतलब मेरी मोहब्बत का तो बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को बचा जाऊंगा। एक काम करो, सब घर वालों को इकट्ठा करके लिविंग रूम में आओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। चले आए आपको हमारे साथ चलने। बात सुने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे अब्बू को बता दे मैं ऐसे नहीं आऊंगा। चले आए, देर नहीं करें, चले साथ चले। ये आप मेरे साथ नहीं कर सकते। आ जाएं, आ जाएं। आप आजादी सहाफत पर हमला कर रहे हैं, ये आप जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं, ये आप आजादी आजादी पर हमला कर रहे हैं। ये देखें मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। हाय हाय हाय, मैं बाथरूम जा रहा था। बाथरूम यहाँ कब से बन गया? नहीं बना, वो आई थॉट कि शायद 2 हफ्ते में कुछ चेंज आ गया। हां मुबारक हो वहाब अंदर। ओ हाँ वो दादी मान गई। आई नो तुम तो बहुत खुश होगी। और आप? मैं मेरी रात को फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया की। ओ कुछ नहीं, best of luck. Thank you. भाई हमें तो लड़की बहुत ही पसंद आई, बिल्कुल माहिरा खान वाला लुक आ रहा है यहाँ से, और मेरी तरफ से बिल्कुल बेहिश हयात लग रही है। Come on अम्मा अब्बा, इतना obvious हानिया आमिर वाला टच है।
सारा खानदान टीवी और फिल्में देखने के अलावा कुछ करते हैं? अम्मी आजकल यही लोग ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड तो वसीम बदामी भी काफी करता है। ओके, दादी, आंटी, अंकल, हम मंगनी करेंगे 2022 में, शादी होगी 2024 में। ओके। क्या? मेरी जान, ये नया ट्रेंड है। नई रिसर्च के मुताबिक सेलिब्रेशन का कोई भी इवेंट हो, 2 साल तक सोशल मीडिया पे फीलिंग्स रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स बीच में बहुत सारा ड्रामा भी होगा कि वहाब और आनिया का क्या ब्रेकअप हो गया, क्या बीच में कोई तीसरी लड़की आ गई, दूसरी लड़की आ गई, एंड यू नो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये तो होगा, दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। पैकेज। हे गाइस, सो आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने मेरे तमाम इवेंट्स की डेट भी पक्की कर ली होंगी। सो क्या सीन है फिर? अब बिट पैक अप। सॉरी, मेरी वजह से आपका बेड़ा गर्क हो गया। चलो, हम में से किसी एक को तो अपनी मंजिल मिली। मैंने वहाब से शादी के लिए इनकार कर दिया। क्या? It's okay. इतने self-absorbed इंसान के साथ को कैसे ही रह सकता है? ये बात 4 साल पहले नहीं रियलाइज हो सकती थी। सिर्फ मेरे से इतनी कुर्बानियां लेनी थी। 4 साल से शायद आपकी कुर्बानियों का इंतजार था मुझे। वाह साहब, इधर गरीब की झोपड़ी जल गई और अमीर को लगा कि बारबेक्यू चल रहा है। इतना भी डिप्रेसिंग नहीं है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ चार्ली एक लड़की नहीं थी। हाँ, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो वाहिद लड़की थी जिसे मेरे पे तरस आया। मोहब्बत में तरस नहीं, प्यार आना चाहिए। और प्यार के लिए पाकिस्तान में भी लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं यार, पाकिस्तानी लड़कियों से मुझे घबराहट होती है, स्पेशली दादी, अम्मी और फूफो के बाद ये टाइप मेरी समझ में नहीं आती। ये देखें, कहने को उंगलियां हैं लेकिन सारी एक जैसी नहीं होती। बस खलील और रहमान कमर, तुमको से इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करना शुरू की। बस जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो क्या सीखा जिंदगी से तुमने पिछले कुछ दिनों में? यही कि जरूरी नहीं कि जो अच्छा लगे वो आपके लिए सही भी। और ये भी जरूरी नहीं कि जो सबको आपके लिए सही लग रहा हो वो आपको भी अच्छा लगे। कभी कभी लग भी जाता है। चार्ली की कॉल? आप बात करके नीचे आ जाएगा, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सुनो, फ्लाइट मिस हो गई तो फिर तो हमारे घर वाले हमारी शादी करवा के ही छोड़। एक ये क्या है? कोरोना का PCR टेस्ट। इसके बगैर जहाज में कोई नहीं अब चढ़ने देगा मुझे। बाल, बाद में कॉल करता हूँ। बल्कि सुन, वो गाड़ी के दोनों टायर पंचर होने वाला बहाना यूज करने का टाइम आ गया। अच्छा।